हेलो दोस्तों, और आज का ब्लॉग बहुत ही एक्साइटिंग है बिकॉज आज है टीचर्स डे। तो सबसे पहले मैं उठकर चला गया सैलून क्योंकि मुझे कराना था हेयर कट। और आप देख सकते हो ये सैलून बिल्कुल मेरे घर के नीचे है। मैं परमानेंटली अपना हेयर कट इसी सैलून से कराता हूँ। इसका नाम है न्यू स्टाइल जोन सैलून। और यहाँ पे जो भैया है वो बहुत ही ज़्यादा मन से काटते हैं और ये बिल्कुल मेरे बालों को एक नया लुक दे देते हैं। फिर मैं रेडी हो गया क्योंकि मुझे जाना था अल्डाइन पढ़ाने के लिए। वहाँ होने वाला था धमाका और टीचर्स डे सेलिब्रेशन, जिसका हमें पहले से पता था। तो मैंने बुक किया रैपिडो और मैं चल पड़ा अल्डाइन पढ़ाने के लिए। मुझे लेना था वहाँ पे रेगुलर क्लास क्योंकि वहाँ पे क्लास के बाद होना था सेलिब्रेशन। तो आप देख सकते हो ये न्यू ब्रिज का नज़ारा, मौसम बहुत ही अच्छा और मैं पहुँच चुका हूँ अल्डाइन। आप देख सकते हो यहाँ पे ये है अल्डाइन का ऑफिस। और शुरुआत हुई चॉकलेट से, बच्चे ने मुझे दिया चॉकलेट जिसका नाम है श्रीजन। और फिर मैं यहाँ पे क्लास लेते हुए लगभग 1.5 घंटा की क्लास ख़त्म होने के बाद आज का पहला केक कटिंग बच्चों के साथ। बहुत सारा प्यार मिला, तौसीफ, श्रुति, श्रीजन, प्रीति, ये मिंटू भैया, लोकनाथ, बहुत बहुत सारे बच्चे, सबका नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे अब हम सब चल पड़े एक साथ मेट्रो स्टेशन क्योंकि हमें हाजरा ब्रांच से जाना था गिरीश पार्क ब्रांच में। आप देख सकते हो हमारी मेट्रो आती हुई और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये है सौम्यजीत, बड़ा ही प्यारा और क्यूट स्टूडेंट है, दिल का बहुत ही अच्छा, समोसा बांटते हुए। उसके बाद हमने किया ढेर सारे डांस बहुत सारे गानों पे। आप देख सकते हो पे सारे बच्चे झूमते हुए। मैंने तो पहली बार इन बच्चों का ऐसा रूप देखा, मतलब जो बच्चे क्लास में इतना शांत रहते हैं वो भी इतना डांस। और ये रितेश सर और संतोष सर का एक्साइटिंग डांस, रितेश सर लॉ गुरु और संतोष सर इकोनॉमिक्स गुरु। संतोष सर और रितेश सर ने बहुत सारे ठुमके वुमके लगाए और ये बच्चों ने मुझे ऊपर उठा उठा के नचाया। वन ऑफ द बेस्ट डे, मैं इतना ज़्यादा खुश था। इट वॉज हाईली अनएक्सपेक्टेबल कि बच्चे इतना कुछ करेंगे। पूरा मैनेजमेंट टीम, आशा मैम, मधु मैम को भी थैंक्स, मोहित भैया, मिंटू भैया, सबने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और सबके कॉपरेशन के साथ ही ये संभव हुआ। वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स डे मैं बोलूँगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर हमने खाए समोसे और जलेबी जो कि ख़त्म हो चुकी है, आप हमारी प्लेट में देख रहे हो रितेश सर। और ये पूरा कंबाइंड ब्रांच है अल्डाइन और जीपी का, इतना ज़्यादा भीड़ हो गया कि आप देख सकते हो हमें बैठने के लिए हमें जगह तक भी नहीं मिली। तो हम यहाँ पर फटाफट अपना नाश्ता करते हुए और यहाँ पे हम अपना वीडियो बनाते हुए ब्लॉग जारी है। बच्चे बहुत खुश हैं, सबको पता है कि सर व्लॉग बना रहे, तो सब हिप्पी फूरे। बहुत ही ज़्यादा प्यार जब बच्चों से मिलता है ना, इट फील्स लाइक अ ब्लेसिंग फॉर अस एंड नॉट फॉर देम। यार हमें खुश लगता है, हमें बहुत खुशी होती है। और फिर ये वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट जो मुझे स्पेशली मिला अपने बच्चों से, और अगर आप ठीक से देखोगे तो गेस करो इसमें कौन सी एक्ट्रेस है। जी हाँ, और कोई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आलिया भट्ट। देनो, आलिया इज़ माई फर्स्ट क्रश, काइंड ऑफ माई फर्स्ट लव। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। पता नहीं बच्चों ने कब ये तैयारियाँ की, कब मुझे ये पर्सनलाइज्ड गिफ्ट दिया। इट वॉज टोटली अमेजिंग एंड हाईली अनएक्सपेक्टेबल। और मैंने सच में बच्चों को बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोला। और यहाँ पे दिल इतना बड़ा कि अंकुश सर ने कहा, सर ये तो दिल इतना बड़ा है, आप कैसे फिट हो गए। तो मैंने अंकुश सर को सिर्फ इतना सा बोला कि अंकुश सर, दिल बड़ा हो या छोटा हो, आलिया तो ऑलरेडी मेरे दिल में बसी हुई है, उसे निकालना पॉसिबल नहीं होगा, चाहे कोई दूसरी या तीसरी आलिया भी आ जाए। तो इट वॉज़ अ वेरी वेरी लविंग गिफ्ट फ्रॉम ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड आई एम रियली रियली हैप्पी। बच्चों ढेर सारी तुमने मुझे खुशियाँ दी है। और अच्छे से पढ़ते रहो यार, मैंने बच्चों को यही बोला कि आप अच्छे से पढ़ो, डैट विल बी द बेस्ट गिफ्ट फॉर मी। एंड आई रियली अप्रिशिएट, उन्होंने इतना सोचा और मेरे को इतना अमेजिंग गिफ्ट दिया। अगेन थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा। जब आपको कोई अननोन चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ होती है, बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं पढ़ाने यहाँ पे सेलिब्रेशन के बाद मैं चला गया इंस्टीट्यूट। ये है मेरा बीकॉम सेमेस्टर 5 का बैच जिसमें कुछ बच्चे अभी आए और कुछ नहीं आए। ये बच्चे लगभग 1.5 घंटा तक मेरा वेट कर रहे थे कि कब सर आएंगे, लेकिन स्टिल उनके चेहरे पे कोई फ्रस्ट्रेशन का एक बूंद भी नजर नहीं आ रहा था। दे वेर वेरी हैप्पी, दे आर सो अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने बोला, अरे सर कोई बात नहीं, आज तो आपका दिन है, आप 2 घंटे भी लेट आते तो भी हम यहीं पे आपका वेट करते हैं। उसके बाद उन्होंने निकाला केक, अगेन थर्ड केक ऑफ द डे। बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बच्चे हैं और ये बच्चे इतने हाईली मतलब मैच्योर्ड, कोऑपरेटिव, इतना ढेर सारा प्यार इनसे मिलता है। आदित्य, ऋषिकेश, नेहा, कशिश, साहिल, हर्ष, आकाश, एवरीवन, सबका नाम लेना सीरियसली पॉसिबल नहीं है इस ब्लॉग में, बट ऑल ऑफ यू आर सो अमेजिंग। मोहित, वेरी वेरी थैंक यू सो मच।
मुझे केक काटने का मौका हर साल मिलता है, लेकिन इतना प्यार जो मिलता है ना, इस प्यार का मैं वेट करता हूँ। थैंक यू सो मच माई डियर बीकॉम सेमेस्टर 5 बैच। आई होप अपना बैच जब भी ख़त्म भी होगा तो भी अपना एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे बीकॉम सेमेस्टर 5 के बाद मैंने काटा। बीकॉम के बाद ये है एक्साइटिंग क्लास 11 का बैच, जो कि अभी इन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है, हार्डली 3-4 मंथ्स हुआ है, बट स्टिल दे आर सो अमेजिंग लाइक एनी अदर बैच। मतलब यहाँ के बच्चे इतना अच्छा पढ़ते हैं और इतने ज़्यादा डेडिकेटेड है, और इन्होंने कब ये सब अरेंजमेंट्स किया, मेरे को एक्सपेक्टेशन था कि ये लोग भी इतना कुछ लाइक करेंगे। दे रियली लव मी अ लॉट एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर देम, वेरी वेरी गुड। यहाँ पे बच्चे केक कम खाते हुए आप देखो, अगर लड़कियों के मुँह में तो केक का एकदम 10% आ रहा है, बट जब मैं बच्चों को यानी लड़कों को खिलाऊंगा तो अब देखना खाली कैसे ठूस ठूस के ये लोग खाएंगे। मतलब लड़कों का केक खाने का ये देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले देखो सौरभ ने पूरा ठूस लिया, तो यहाँ पे बच्चे केक ठूस ठूस के खा रहे हैं। उसके बाद अनमोल, उसके बाद संतोष, विवेक, कैफी, रेहान, महफूज, यहाँ पे लकी, रॉबर्टसन हम उसे बोलते हैं। अमेजिंग बैच है ये, बहुत बहुत अमेजिंग बैच है रियली। यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे बच्चे लाइक यू नो लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़, फन लविंग। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, तुम लोग के साथ रह के इट्स लाइक नॉट अ बर्डन फॉर मी टू टीच, बट यू नो एक फन लविंग एक्टिविटी है मेरे लिए, जिसके कारण मैं आज तक इतने सालों से पढ़ाते आया हूँ। तुम लोग से इतना कोऑपरेशन मुझे मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। ये बच्चे बहुत बहुत कोऑपरेटिव, इनफैक्ट मैं बताऊँ ये बच्चे भी लगभग 1-1.5 घंटा तक मेरा वेट किए, क्योंकि मेरे को आने में लेट हो गया था, बट स्टिल किसी ने कुछ नहीं बोला। बोला सर आज आपका दिन आप इंजॉय करो। और ऐसे भी कभी लेट हो जाता है, ये बच्चे बहुत बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा लगता है, दे अंडरस्टैंड मी। और उसके बाद ये देख रहे हो बीकॉम सेमेस्टर 5 के साथ जो मैंने डांस किया था, बहुत बहुत नाचे हम लोग, बहुत बहुत नाचे। आदित्य, नेहा, मोहित, अभी नया ज्वाइन किया है शिव सुंदर, बाप रे 2 क्लास हुआ और ये इतना ज़्यादा घुल मिल गया है, बहुत अच्छा लगता है। हर साहिल, थैंक यू सो मच एवरीवन, तुम लोग के साथ ये जो दिन था मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा था, हाईली अनएक्सपेक्टेड, तुमने मेरे को ठुमके लगवा दिए, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा। आकाश बहुत दिन के बाद आया। आकाश अगर तुम ये व्लॉग जब भी देखोगे ना, मैं तुमसे लेकिन बहुत गुस्सा हूँ, बिकॉज तुम क्लासेस रेगुलर नहीं आ रहे हो, तो प्लीज़ क्लासेस रेगुलर करो। और यहाँ पे मोहित का ठुमका, और हम मोहित पे नोट बरसाते हुए, मोहित बहुत अच्छा डांसर है, अपनी पतली कमरिया को लचका के पूरा मार्केट में आग लगा दिया है। और यहाँ पे आदित्य फ्लैश लाइट जलाते हुए, बहुत डांस किया मैंने, बहुत बहुत डांस किया पूरे दिन भर, लगभग मुझे लगता है मैंने 5-4 घंटा पूरा कंटिन्यूस डांस किया। और इस डांस का असर एक्चुअली मुझे पता चला रात को जब मैं बेड पे गया और आई वाज सो टायर्ड, बट इस समय तो एनर्जी लेवल बापरे एकदम पॉइंट पे था। उसके बाद ये क्लास 12 का सूर लविंग बैच, शिवम, गुनगुन, दिशा, वर्षा, नूर, अमन, कृति, एवरीवन सुपर सो लविंग गाइस, सर आप कहेंगे या आप कहेंगे वर्षा और दिशा के ट्रेडिशन, तो मैंने उनको अच्छे से केक लगाया। उसके बाद यहाँ पे पीयूष के तो आपके बहुत सारे आगे एक्सपीज मिलेंगे, ब्लॉग तक बने रही है, इस ब्लॉग के एंड में आपको बहुत बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, इसलिए मैंने आपको ब्लॉग को बढ़िया मिक्स करके बनाया है। बीच में फिर डांस लगाया, फिर तड़का लगाया, फिर मसाला लगाया। इस ब्लॉग को जरूर जरूर से देखते रहो यार एंड तक। अभी आपको शायरी, उसका डांस सब कुछ नजर आएगा। जैसे डांस खत्म हो रहा है मैं आपको लेके चल रहा हूँ नूरुद्दीन की शायरी की तरफ। देखते हैं क्या चांद उनका वहीं पर रहता है, मुझे आसमान से क्या मतलब, मेरा चांद तो जमीन पर। अरे अरे सोचू तुझे तो है सुबह, सोचू तुझे तो रात है, मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है। तेरे आग में ही जलके कोयले से हीरा बनके, ख्वाबों में आगे चल के है तुझे बताना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। क्या बात है यार,
तो आपने देखा पीयूष का कितना अमेजिंग सॉन्ग और नूरुद्दीन की धड़ाक तक शायरी जो कि पूरे मार्केट में तहलका मचाती हुई, और उसके बाद हुआ केक कटिंग सेरेमनी, डेट वॉज ऑल्सो सो अमेजिंग। लव यू गाइज, लव यू सो मच। आप लोगों का क्लास 12 का बैच जरूर खत्म हो जाएगा, कुछ लोग शायद कॉन्टैक्ट में रहें, कुछ आगे कोलकाता से बाहर चले जाए, बट ट्रस्ट भी मेमोरीज जो आप लोग सब छोड़ के जाओगे ना मेरे दिल में, ये हर दिन मेरे को याद आएगी, हर साल मेरे को याद आएगी। यार तुम लोग इतना कुछ करता है मेरे लिए, मेरे को लगता सिर्फ पढ़ा कि मैं तुम लोग के साथ जस्टिफाई कर रहा हूँ, आई नीड टू बी यू नो इन टच विद गाइज फॉर एवर, तभी मेरे को लगेगा कि हाँ यार एक अच्छा खासा रिलेशनशिप अपने बीच में बैठा है। और इनफैक्ट ऐसा भी होता है बहुत बार, मैं अभी भी बीकॉम के पुराने स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, हैप्पी टीचर्स डे बोलते हैं, सी शांत हो, लाखों के भीड़ में आंखों में गड़ जाए, तुम उस देवी की अवतार हो, नजरों में ऐसी चमक जिससे हीरा भी हैरान हो, बढ़ जाए रौनक की जमीन जिसपे तेरे कदमों के निशान हो, जुदा तुम इस जग से क्योंकि तुम नया हो, पहाड़ों की गूंज है, बारिश की बूंद है, किरणों की धूप है, कमल सी रूप है, चांद सी अनूप है जो तेरा ये स्वरूप है। क्या बात, क्या बात, क्या गिनूं तुझे जमाने में, चांद को भी तेरा सुरूर है, हर कोई मशरूफ है तेरे ही वजूद में, कोई परेशान देख आंखें तेरी, हुस्न से तेरे औरतें जलने को मजबूर है, ना जाने तुम किस किस के दिल की फरियाद हो जुदा तुम इस जग से क्योंकि तुम नया हो। अरे तो आपने देखा पीयूष की पोयम गजब, तो मैं बोल रहा था मुझे आज भी कॉन्टैक्ट जब मैसेज आते हैं बीकॉम के, बहुत बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग आज भी याद करते हैं। और फिर ये नीव का गिफ्ट खोलते हुए, मैं नीव का गिफ्ट, मैंने पेन खोला, बहुत सुंदर पेन था, फिर उसके बाद मैंने क्लास 11 के WB बोर्ड की तरफ से ये गिफ्ट खोला, और ये गिफ्ट बहुत ही बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छा था, अमेजिंग था। पीछे ICSE CBSE ने मुझे बेला वीटा का परफ्यूम दिया, डेट वॉज अमेजिंग, और अब ये घड़ी SSC लिखा हुआ, डेट वॉज सो अमेजिंग, एवरी गिफ्ट बस सो अमेजिंग। मैं जितना तारीफ करूँ उतना कम है, मैंने बच्चों को ये बोला है गिफ्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, तो बस मेरे साथ हमेशा टच में रहो। और उसके बाद इन्होंने मेरा केक से कर दिया फेशियल, तो मैं भी पीछे नहीं हटा, मैंने भी किया सबको फेशियल, किसी को छोड़ा नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा। लगा टीचर्स डे सेलिब्रेशन मेरा है, बट तुम लोग कोई बचना नहीं चाहिए, अगर मेरे पे अटैक होगा तो तुम लोग पे भी काउंटर अटैक होगा। और उसके बाद रात को पनीर की सब्जी मम्मी फेवरेट स्पेशल बनाते हुए, और एट द एंड बट नॉट द लिस्ट गाइज, ये सारे गिफ्ट्स जो मुझे आप लोगों से मिले, ट्रस्ट मी, बहुत 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 ज़्यादा अच्छे थे, और मेरे लाइफ का बेस्ट टीचर्स डे मैं बोलूँगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, इग्नोर माई खांसी। तो दिस वॉज माई ब्लॉग, आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, थैंक यू।